नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द स्ट्रैटेजिक चेंजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया, राइट। सो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जो है पुश दी जा रही है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए क्या चाहिए, बैटरी की ज़रूरत है। तो ये बैटरीज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल जो कि लिथियम है वो यूज़ होता है, राइट। सो इन रिलेशन टू दैट जो हमारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पुश है, विच इज़ एज वी नो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, और हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो एनर्जी बास्केट है उसे एक्सपैंड करने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिथियम का यूसेज इन द बैटरीज होता है, और इससे रिलेटेड देर आर सम स्ट्रेटेजिक चेंजेस जिसके बारे में डिस्कशन रिसेंटली किया गया है। तो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, बट बिफोर वी मूव ऑन लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू फ्रंट रनर्स लाइक यूकर, स्नेहल, शैल आदित्य, साफरान, लक्ष्मी, शिवम, कपिल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, रविशेक, एंजल, वंशी, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपिल, ऑल इन वन, प्रतिमा, इन सभी ने काफ़ी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है, एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहाँ पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा, एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा, 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2,500 रुपीज़ प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द NCERT कोर्स जो कि पूरे के पूरे बेसिक NCERTs को कवर करेगा फॉर दिस अमाउंट। वी हैव द फुल GS कोर्स जो कि UPSC, UPPSC, MPPSC या CGPSC के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा, इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया एंड द स्ट्रेटेजिक चेंजेस ड्यू टू दैट, राइट। सो द प्रोग्रेशन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज सच व्हीकल्स आर सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन, ओके। सो पूरा सिस्टम को बैठाने में टाइम तो लगेगा, चार्जिंग पॉइंट्स और ये सब तो, बट दैट विल बी सस्टेनेबल बिकॉज जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता है, एंड प्रॉफिटेबल होगा इन द लॉन्ग रन। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल, सो दैट विल ऑल्सो रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल, जो कि हम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं, राइट। सो दैट विल हेल्प अस इन डाइवर्सिफाइंग आर एनर्जी बास्केट, एंड इसलिए हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस, बिल्ड डोमेस्टिक एनर्जी इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ों के लिए हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बिसाइड्स बींग एन इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली वायबल ऑप्शन, India's transition to electric vehicles will allow us to fine-tune our infrastructure. तो हमारे infrastructure को हम fine-tune कर सकते हैं, and India actually imported around 228.6 million tons of crude oil worth $120 billion in 2018-19. So इतना ज़्यादा जो है हम crude oil पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो that can be reduced ऐसा कहा जा रहा है। and अभी
फिलहाल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, राइट। तो इंडिया लिथियम आयन बैटरी डिमांड जो है वो फिलफिल की जा रही है बाय द इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, वियतनाम एंड हांगकांग, राइट। चाइना, वियतनाम, हांगकांग से हमारी बैटरी की जो इम्पोर्ट है वो जो है हम फुलफिल कर रहे हैं, वाइल करंटली इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स इन लैटिन अमेरिका आर ब्राज़ील, मेक्सिको एंड वेनेजुएला। तो लैटिन अमेरिका एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो है लिथियम ट्रायंगल जो है वहाँ पर है ऐसा माना जाता है, राइट। सो दैट कि समवेयर वेयर इंडिया कैन बी टैपिंग इन टू एंड डिपेंडेंस ऑन कंट्रीज लाइक चाइना विल बी रिड्यूसिंग। सो दैट इज़ अ स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस ऑफ मूविंग इन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो हम कह रहे हैं। सो चाइना से जो ये लिथियम आयन बैटरी वगैरह इम्पोर्ट किया जाता है तो उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बिकॉज लैटिन अमेरिका एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लिथियम ट्रायंगल जो है वहाँ पर देखा गया है एंड दैट इज समथिंग वेयर इंडिया कैन टैप इन टू। प्रेजेंटली लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, मेक्सिको एंड वेनेजुएला से हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड इज कंसनट्रेटेड ऑन क्रूड ऑयल ओनली। क्रूड ऑयल ट्रेड हम करते हैं, 14-20% ऑफ इंडियाज़ टोटल क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स वहाँ से होता है, राइट। सो डेवलपिंग डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है काफ़ी सही रहेगा। टू चेंज इंडियाज़ रिलेशनशिप विद रिसोर्स रिच लैटिन अमेरिका एज द गवर्नमेंट प्लान्स टू, द गवर्नमेंट इज हैज बीन रिसेंटली प्लानिंग टू बाय ओवरसीज लिथियम रिजर्व्स, ओके। ओवरसीज लिथियम रिजर्व्स को खरीदने का गवर्नमेंट सोच रहा है इंडियन गवर्नमेंट एंड लैटिन अमेरिकाज फेमस लिथियम ट्रायंगल दैट एनकम्पासेस लिथियम डिपॉजिट्स अंडर द सॉल्ट फ्लैट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना, नॉर्दर्न चिले एंड साउथ वेस्ट बोलीविया होल्ड्स 80% ऑफ एक्सप्लोर्ड लिथियम ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का 80% ऑफ द लिथियम जो है यू विल फाइंड इन लैटिन अमेरिका के ये तीन एरियाज, व्हाट आर दोज, अर्जेंटीना, चिले एंड बोलीविया, राइट। तो ये लिथियम ट्रायंगल माना जाता है एंड इन एरियाज में आपको लिथियम 80% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम यहाँ पर ही मिलेगा। तो वी आर ट्राइंग टू इम्पोर्ट दैट, सो दैट विल बी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड अ मूव टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत अगेन, राइट। सो ये चीज जो है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का दिखाती है। तो दिस विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस इंडियाज फॉरन पॉलिसी एज आर एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंडेंस विल शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट एशिया टू लैटिन अमेरिका। तो हमारा एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो वेस्ट एशिया में केंद्रित है क्योंकि वी हैव द ऑयल इम्पोर्ट्स कमिंग मेनली फ्रॉम वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इन सब एरिया से हमारा जो ऑयल जो है वो इम्पोर्ट हम करते हैं एंड उस चीज को शिफ्ट होता हुआ हम देखेंगे टूवर्ड्स लैटिन अमेरिका, राइट। वी ऑल्सो नीड नॉट डिपेंड ऑन चाइना फॉर द इम्पोर्ट्स ऑफ वेरियस लिथियम थिंग्स, राइट। सो ये चीज जो है वो देखी जा रही है, देर इज अ शिफ्ट इन द आर फॉरेन पॉलिसी। एफर्ट्स क्या है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम जो स्कीम है और फेम टू है इसके तहत अराउंड $1.3 billion जो है वो खर्च कर चुके हैं हम इन इंसेंटिव्स फॉर इलेक्ट्रिक बसेस, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स एंड ऑल टिल 2022 एंड ईयरमार्क्ड अनदर $135 million फॉर चार्जिंग स्टेशंस अलोन, राइट। नीति आयोग ने कहा है कि प्रपोजल रखा है फॉर $4.6 billion सब्सिडी फॉर बैटरी मेकर्स एंड 30% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड बाय 2030, इंडिया वांट्स टू मेक देम इलेक्ट्रिकली रन। सितंबर 2019 को जापानीज ऑटोमोबाइल जो मेजर सुजुकी मोटर है, प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज एंड इलेक्ट्रोड्स गुजरात में इस चीज को एस्टैब्लिश करने का सोचा है एंड वे फॉरवर्ड इस चीज में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट्स इनिशिएशन टू टेक द फ्रंट सीट इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड प्रीएम्प्टिव एक्शन टू सेंड अ हाई लेवल डेलीगेशन टू हैव अ प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ जॉइंट वेंचर्स विल सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट्स एंड ड्राइव इंटरनेशनल मार्केट्स, राइट। सो डोमेस्टिक मार्केट वी आर ट्राइंग टू हैव द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज एंड ये इसका रॉ मटेरियल जो है लैटिन अमेरिका से सोर्स करना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू क्लीन आर सिटीज, न्यू मार्केट, स्किल पीपल फॉर न्यू जॉब्स टुवर्ड्स एन आत्मनिर्भर भारत, राइट।
So that was about electric mobility and the strategic importance of it in India. In the previous session, हमने question देखा, which among the following is correct with respect to vanadium. It is recovered as a byproduct from the slag collected from the processing of vanadiferous magnetite ores, iron ore, right? So that is correct. India is a net exporter of vanadium? No. India imports vanadium, and so we cannot say it is a net exporter of vanadium. So this is wrong, and one only is the correct answer here. Which among the following statement is or are correct with respect to lithium? Latin America's famous lithium triangle that encompasses lithium deposits under the salt flats of northwest Argentina, northern Chile and southwest Bolivia mein hai ye, and India imports lithium from China. So, jo bhi aapko sahi lagta hai ABCID, please mention kare in the comment section. Thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other query, you can contact us on these numbers.